देखिए किस तरीके की राजनीति, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया एस जय शंकर जी ने कि जब आप किसी देश से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो जब आप उनके साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं तो सर्टेन परसेंटेज बाहर जानी चाहिए। इसके बावजूद जो आप इस तरीके की राजनीति करें, ऐसा नहीं। अगर आप पीछे देखें कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी ट्वीट किया था कि बाई दिसंबर हमारे पास 240 करोड़ वैक्सीनेशन होंगी, तो आपको थोड़ा तो समय देना पड़ेगा ना। इतनी बड़ी जनसंख्या है, 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं करी, लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन पर, ये वही सरकार है, ये वही लोग हैं तो जब वैक्सीनेशन आई थी तो उन्होंने ये राजनीति करी थी कि कितनी फूल प्रूफ है ये वैक्सीनेशन, प्रधानमंत्री जी को पहले लेनी चाहिए, सबसे पहले उनको दिखाना चाहिए, शॉट लेना चाहिए। तो अब ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की कमी हो गई है। मेरा ये मानना है कि हर तरीके की राजनीति, हर चीज़ पर राजनीति करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त पर देश को इकट्ठा काम करके देश को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको लगता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं पहले वैक्सीन का विरोध किया, कई तरह की बातें की उन्होंने, आपको लगता है कि एक तरफ मोदी जहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हर रोज़ बारी बारी से बात कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये देश की जनता के खिलाफ वो लड़ाई लड़ना कि कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 6 साल में सिर्फ हर चीज़ पर राजनीति करी। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, हर चीज़ पर राजनीति, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे। आप इकट्ठे मिलके काम करिए ना। इस वक्त पे सबको मिलके, जैसे मैंने आपको बोला, सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी महामारी है जो इस देश ने कभी देखी नहीं, इस देश ने क्या, इस दुनिया ने कभी नहीं देखी ऐसी महामारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो रहा, सारी दुनिया में हुआ है ऐसा। और हमारी जनसंख्या तो देखिए आप, हमारी पॉपुलेशन देखिए, आसान नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में या इस तरीके से वैक्सीनेशन 1 महीने में या 2 महीने में सारी जनता को या सारे देश की पॉपुलेशन को लगाना। तो आपको थोड़ा बहुत कंसिडरेट रहना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ पे मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। बाई दिसंबर जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी ने बोला कि 240 करोड़ वैक्सीनेशन आपके पास आ जाएंगी, सरकार ने बाकी कंपनी स्पुटनिक जैसे देश में अब आ रही है, तो हर तरीके से चीज़ें ओपन करिए और समय पर सबको वैक्सीनेशन लगी जाएगी। ऐसे ऐसे कुछ पोस्टर लगाए, पुलिस ने कार्रवाई की, तो राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं कि लोगों को आप क्यों अरेस्ट करें, आप मुझे अरेस्ट करके दिखाइए। देखिए, राहुल गांधी जी का अपना तरीका है राजनीति करने का, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा नहीं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच के राजनीति में आए कि वो राजनीति से क्या, राजनीति में क्यों आए और राजनीति से वो क्या प्राप्त करना चाहता है। प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि राजनीति से वो क्या मटेरियल गेन करना चाहता है, प्राप्त करने का ये भी मतलब होता है कि वो लोगों की कितनी सेवा करना चाहता है और लोगों को किस तरीके से उनकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहता है। तो हर व्यक्ति का अपना नज़रिया, और इसके बारे में मेरा कोई मतलब है नहीं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप उनको अरेस्ट करिए या किसी और को अरेस्ट करिए। देखिए, सिर्फ पोलिटिसाइज़ करने का तरीका ये अपने आप को, जी आपको बहुत सारे ट्वीट्स के लाइक्स मिल जाएंगे, रीट्वीट्स मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ होगा नहीं। अगर आप इसी तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, वो आपका नज़र ही है, बाकी इसके बारे में और कुछ कहने को है नहीं मेरे को। जो दिल्ली में लॉकडाउन से केजरीवाल साहब ने अनाउंसमेंट किया, आपको लगता है कि जो कोविड के केसेस हैं उनको कंट्रोल करने में लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था उस वक्त पे ठीक था वो नहीं, क्योंकि केसेस उतने बहुत ज़्यादा बढ़े थे, लेकिन अभी केसेस कम नहीं हुए हैं, सिर्फ टेस्टिंग कम हुई है। ये झूठ है। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करोगे तो केसेस बाहर आएंगे ही नहीं, और जब केसेस बाहर आएंगे नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि दिन में कितने केसेस हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी के पास इसके अलावा और किसी भी तरीके का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल में तो कुछ किया ही नहीं कोविड के लिए। क्या किया पिछले 1 साल में? तो अब आपको लॉकडाउन बढ़ाना ही पड़ेगा, टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी, डेथ रेट को फाच करना ही पड़ेगा। तो जितनी आप टेस्टिंग कम करेंगे उतने ही आप केसेस कम दिखाएंगे, तो इसलिए ये तो इस पर भी टेस्टिंग पे भी राजनीति है। लेकिन लॉकडाउन आपने एक्सटेंड किया, ठीक है, वो आप उसके अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। इंग्लिश में भी करना है आप, जो केजरीवाल साहब साथ में कह रहे हैं कि ऑक्सीजन बैंक बनाएंगे, ये तमाम वो दावे कर रहे हैं, इससे पहले भी कई सारी चीज़ें उन्होंने कही है। देखिए, मेरा मानना है कि केजरीवाल जी उसी तरीके की राजनीति करना चाहते हैं जिस तरीके की उन्होंने पिछले साल करी थी, जब उन्होंने कहा था हम 10 रसोई खोल के इतने लाख लोगों को खाना देंगे, जिन 10 रसोइयों का आज तक किसी को पता भी नहीं है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक, जब आपके पास अब सफिशेंट ऑक्सीजन है, जब इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है नहीं, जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरत थी तो आपके पास ऑक्सीजन टैंकर्स भी नहीं थे, क्रायोजेनिक टैंकर्स भी आपने ऑर्डर करे बैंकॉक और फ्रांस से, उसका क्या हुआ, वो कब आएंगे? एक कैपिटल के पास अगर क्रायोजेनिक टैंकर ना हो, अब आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कॉन्सेंट्रेटर बैंक खोलना चाहते हैं जब आपके पास सफिशेंट ऑक्सीजन है? फिर केजरीवाल जी का मकसद है ही नहीं ना, उनमें क्षमता है दिल्ली के लिए कुछ भी करने की, दिल्ली के लिए काम करने की, दिल्ली को बेहतर करने की। सिर्फ ये
इसी तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं और झूठ बोलना चाहते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं और ये दिल्ली की जनता जान चुकी है। मोदी की हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी? See, this is how they want to do politics, that's their way of doing politics. And this is the time to do such kind of things. I think their entire politics has actually been confined to Twitter, changing their Twitter profile, putting on tweets and all that kind of stuff. At the moment, this country, what they need is working together and saving people's life and getting out of this pandemic. That is more important. By changing Twitter profile, it will hardly save anyone's life. So our entire focus and entire work should be to save people's lives and get out of this pandemic as soon as possible. Rahul Gandhi is saying that taking action against people, you can arrest me too. Who are we taking action against? Why do Rahul Gandhi want to get arrested? I think it is again about politicizing everything. And if he's talking about arresting people for who? If people are hoarding things, then they should be arrested. And if people are doing some wrong things, if people are black marketing something at this time, they should absolutely be arrested. And at the same time, if you want to politicize everything on Twitter, if you want to be a Twitter sensation, so be it. Let him be a Twitter sensation. But ultimately, the most important thing at the moment is that people want work to be done on the ground level and helping people as much as we can. But Rahul Gandhi is saying that these people are arrested by police because they are opposing PM Modi policy. Sorry, I... Rahul Gandhi is saying that people are arrested by police because they are criticizing PM Modi. I don't think so. Anyone of this sort has been arrested who is criticizing government. They have all the right to be in the opposition to criticize the government. That is fine. That's their way of thinking. But yes, if we arrest someone who is black marketing and hoarding things, it is absolutely fine. Why does he want to get arrested? And if there is nothing to hide, come out and open. I was also questioned probably far before than any of the Congress people were questioned. And I never politicized anything because I was absolutely clean. We gave all the details to the police which High Court had asked for. When someone who's absolutely clean, transparent, he will not be scared of anything. Why politicize everything when you say that it is COVID versus us, not BJP versus Congress at the moment? You're the people who are doing Congress versus BJP. We are not doing Congress versus BJP. We are the ones who are fighting COVID, and we will keep fighting COVID irrespective of whether you want to work with us or you don't work with us, alongside us. That's your way of looking at politics. And what's your comment on extension of lockdown in Delhi? See, Kejriwal has got no other way to control COVID in Delhi. And when he talks about cases coming down, the fact is that he has got the testing less. He is doing less testing. And that is the reason why he's showing less numbers. Yes, because he has done nothing in last 1 year. That is the reason why he had to extend this lockdown, and we have to support that, because ultimately the failure of Aam Aadmi Party is for everyone to see what they have done in last 1 year, how much they were prepared and how many deaths that has happened in Delhi. So apart from this, he's got no other way. But all I can say is that we request Arvind Kejriwal and his party to increase the testing, which is very important, because everything needs to be absolutely transparent and it should come out and open. The more the testing, the better we can fight COVID. He also saying that Delhi is going to set up oxygen bank for Delhi people. See, this oxygen concentrators should have been organized a month back when there was so much of requirement at that time. Now we don't require oxygen concentrators, it's easily available. Now you've got sufficient oxygen as well. That is what you've said, that you're willing to distribute to other states as well. The moment center asked him to do audit on oxygen, he had sufficient oxygen. It is the same kind of politics which he did last time around when he said that we have opened 10 community kitchens that are serving lakhs and lakhs of people every day. It is exactly the same thing. Now he has come up with another lie or a gimmick by saying that now we have oxygen concentrators bank, which is not going to be there anywhere. No one will get help of it. Unfortunately, this is how he deals with Delhi and his politics. Because he has no caliber, neither does he have the intention to do anything for the people of Delhi. He's let them live their own life. Whether they can live or survive, that's up to them. So it's a complete failure from Aam Aadmi Party.